ऐतिहासिक कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। वेलकम स्टेप है ये। और आप जैसा समझते हैं कि भारत का ध्वज जब जम्मू कश्मीर के अंदर लहराता था तो जम्मू कश्मीर राज्य का ध्वज भी उसके साथ होता था, परंतु कहीं ना कहीं हम ये देखते थे कि इस रियासत के अंदर जिन बाहर के लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, उन्होंने इस रियासत के लिए अपने बलिदान दिए, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों या अनेक वीर योद्धा हों, परंतु रियासत का ध्वज जो था वो कहीं ना कहीं एक, मैं कहूँगा कि हम सबके लिए सही नहीं था, क्योंकि वो कश्मीरियों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सी कुर्बानियाँ इस रियासत के लिए दी हैं, या हम उनसे प्रश्न पूछते हैं। और आज हमें वाकई में खुशी है कि रियासत का झंडा उतार कर इस देश का झंडा हमने जो चढ़ाया है, 370 का टूटना जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का मैं कहूँगा उजागर है। आने वाला दौर जो है वो एक जम्मू कश्मीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रोजगार के नए नए यहाँ पे जो मैं कहूँगा इन्विटेशन जो आएंगे सरकार के द्वारा इंडस्ट्रीज़ को, वो यहाँ पे सेटअप होंगी, एक नौकरियाँ हमारे रियासत के युवाओं को मिलेंगी।